हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर अगर आप अपनी वॉइस को रिपीट कराना चाहते हैं तो एक मॉड्यूल होता है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं, पाई TTX। क्या होता है, यहां पे ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट और फिर क्या लिखना है आपको, पीवाई पाई, और फिर लिखना है टीटी और SX3। तो ये आपका मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यूज करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे रिप्लीकेट नाम से। तो ये लिखा डेफ रिप्लीकेट, रिप्लीकेट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से रिप्लीकेट करने के बाद और आपको क्या करना है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये पूरा कोड मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। तो चलाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेलो यू आर विद सूरज सर एंड यू आर वॉचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, यही लिखा हुआ है ना। तो इसको रन करवाना है, तो यहां पर जाते हैं, हेलो यू आर विद सूरज सर एंड यू आर वॉचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। देखा आपने, यहां पर रिप्लीकेट वॉइस को जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहां पर ये वॉइस रिपीट होने लगी जो कि यहां पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से वॉइस को रिपीट कर सकते हैं, यहां पर जो भी लिखेंगे ना वही चीज रिपीट होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं ये पूरा ही हटा देता हूं और यहां पर सिर्फ लिख देता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, तो जो लिखेंगे वही कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, ठीक है। अगर इसको हटा करके सूरज सर लिख देता हूं या कुछ और भी लिख देता हूं, ठीक है, हेलो वी आर इंडियन, हेलो वी आर इंडियन इंडियंस, ये लिख दिया हमने, INDIANS इंडियंस लिख दिया, तो यहां पे आप देखेंगे कि यही रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक बार चला के देखते हैं, हेलो वी आर इंडियंस, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिपीट करेगा और उसके लिए कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है, पाई TTX3, ठीक है ना। और ये काफी काम का मॉड्यूल है, ठीक है ना। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।